हर हर महादेव दर्शकों, जय महाकाल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप धनतेरस पर क्या क्या खरीदें और क्या एक ऐसी विशेष चीज़ खरीदें जिससे आपके घर में सब कुछ शुभ ही शुभ हो। माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहे, आपके घर में धन के भंडार भरे रहें। इस बार धनतेरस है 23 अक्टूबर की है, तो आप धनतेरस के दिन जैसे सभी लोग खरीदते हैं सोना चांदी पीतल के बर्तन झाड़ू श्रीयंत्र गोमती चक्र खरीदते हैं, ये सब चीज़ें तो खरीदते ही खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप धनिया जो साबुत धनिया और बीज कहे जाते हैं वो साबुत धनिया जरूर ही खरीदें। चाहे आप 5 रुपये का धनिया खरीदें लेकिन धनिया आप जरूर खरीदें, क्योंकि धनिया खरीदना इस दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। धनतेरस पर आप धनिया खरीद लीजिए। फिर जब दीपावली पर आप शाम को पूजा करें लक्ष्मी जी की और गणेश जी की, तो वो जो धनिया है अपनी कामना करके लक्ष्मी माता के चरणों में आप चढ़ा दीजिए, और अगले दिन उस धनिया को उठाकर आप किसी गमले में या कहीं भी मिट्टी में आप डाल दीजिए उस धनिया को। और फिर कहा जाता है कि जिस तरीके से उसके पौधे बढ़ते हैं उससे पता चलता है कि आपके घर में धन संपदा की किस तरह से वृद्धि होगी। ये उपाय आप धनतेरस पर जरूर कीजिए, देखिए आपको जरूर ही लाभ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय महाकाल।